हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। सो आज का हमारा 8th लेक्चर होगा ऑन रिसर्च मेथडोलॉजी फॉर योर अपकमिंग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। सो ये यूनिवर्सिटी जो कि आगरा में लोकेटेड है। सो इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं रिसर्च मेथडोलॉजी से रिलेटेड। सो हमने टाइप्स ऑफ रिसर्च स्टार्ट करा है। सो आज के इस लेक्चर में हम लास्ट टाइप ऑफ रिसर्च पर एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो कि है कोरिलेशनल रिसर्च। सो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से आपको एग्जाम में 2 to 3 क्वेश्चन देखने मिलते हैं। सो अगर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिएगा जिससे कि आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके इस पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में चूंकि सिलेबस आपके 10 यूनिट्स में डिवाइडेड हुआ है, जैसे रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, आईसीटी, इन सारे आपको यूनिट से एग्जाम में, इन सारे 10 यूनिट से आपको एग्जाम में 5 क्वेश्चंस कंपलसरी पूछे ही जाते हैं। इसलिए आपकी प्रिपरेशंस के लिए हमने इन सारे यूनिट्स पर, इन सारे 10 यूनिट्स पर मॉक टेस्ट, वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और प्रैक्टिस एमसीक्यूज पीडीएफ प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे कि आप आपके पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को ईजिली क्रैक कर पाते हो। सो याद रखिएगा, कई स्टूडेंट्स का हमें फीडबैक आया है कि इसी कंटेंट से उनके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे और आप इजिली हमारे इस कंटेंट को यूज कर आपके पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक कर पाओगे। सो हमारे इस कंटेंट को परचेस करने के लिए स्क्रीन पर जो आपको नंबर नजर आ रहा है उस पर आपको हमें व्हाट्सएप के थ्रू ही कांटेक्ट करना है। नॉर्मल कॉल उस नंबर पर नहीं लगेगा और आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो ऐप को एक्सेस करने के लिंक हमने कॉमेंट सेक्शन एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखा है जिससे कि आप 1 क्लिक में ही सारे स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर पाते हो। सो हरी अप एंड ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सो जैसे कि आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपके 2 पार्ट्स में कंडक्ट करवाया जाता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। सो याद रखेगा, आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 दिया जाता है। सो पेपर 1 आपका 10 यूनिट्स में डिवाइडेड होता है और पेपर 2 आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। सो पेपर 1 में आपके जो 10 यूनिट्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं, जैसे आपको टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च मेथडोलॉजी, कम्युनिकेशन, आईसीटी, इन सारे टॉपिक्स पर, इन सारे यूनिट्स पर आपको हर एक एक यूनिट से 5-5 क्वेश्चन कंपल्सरी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। सो याद रखिएगा, इन सारे यूनिट्स पर हमने आपके लिए एक कोर्स तैयार कर रखा है जिसमें हम आपको वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, प्रैक्टिस एमसीक्यूज पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं जिसकी हेल्प से आप आपके पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को इजीली क्रैक कर पाते हो। सो याद रखिएगा, बहुत प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है। अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो हमारे इस कंटेंट से तो आप इजीली आपके पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक कर पाते हो। सो कई स्टूडेंट्स ने हमारे इस कोर्स के थ्रू ही अपने पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक कर पाया है। कई स्टूडेंट्स का हमें फीडबैक आता है, अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करते हो तो हम आपको उनका फीडबैक भी दिखाएंगे। सो याद रखिएगा, हमारे इस कोर्स को परचेस करने के लिए स्क्रीन पर आपको जो नंबर नजर आ रहा है इस पर हमें व्हाट्सएप के थ्रू ही आपको कांटेक्ट करना है। नॉर्मल कॉल उस नंबर पर नहीं लगेगा और आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो ऐप को एक्सेस करने के लिंक हमने कॉमेंट सेक्शन एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखा है जिससे कि आपको 1 क्लिक में ही सारा स्टडी मटेरियल एक्सेस करने मिल जाता है। आपको ऐप को डाउनलोड करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं आता है जिससे कि आपका टाइम बच जाता है। सो हरी अप, ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी एंड लेट्स बिगिन विद द एमसीक्यूज। क्वेश्चन, द गोल ऑफ कोरिलेशनल रिसर्च इज टू। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कोरिलेशनल रिसर्च का एम क्या होता है। सो लेट्स लुक एट ऑप्शन ए, टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। सो हियर ऑप्शन इज इनकरेक्ट बिकॉज इन अप्लाइड रिसर्च में हम कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और यू कैन से स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ना कि इन कोरिलेशनल रिसर्च। दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन इज इनकरेक्ट। देन ऑप्शन बी, डिस्क्राइब द करंट स्टेटस ऑफ फेनोमेना। So again here option B is incorrect because in descriptive research में हम कोई भी phenomena or topic के current status को describe करते हैं, ना कि in correlational research. That's why here option B is incorrect. Then we have option C, to assess relationships between the variables. So here yes, option C is correct because correlational research का aim होता है कि कोई variables के बीच का relation find out करें। सो हियर रिमेंबर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप नेम में ही मीनिंग देख रहे हो, कोरिलेशनल मींस कोई वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन। ओके, सो यस, जैसे फॉर एग्जांपल रिसर्चर को कोई वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पर रिसर्चर क्या करेंगे, कोई भी पास डेटा जो होता है और यू कैन से एग्जिस्टिंग डेटा जो होगा उस डेटा को रिसर्चर ऑब्जर्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल। ओके,
यहाँ पर रिसर्चर के पास ऑलरेडी डेटा होगा और उस डेटा को रिसर्चर स्टैटिस्टिकल टूल मीन्स जो मैथमेटिक्स टूल से रिलेटेड होगा, जैसे ग्राफ्स और यू कैन से चार्ट्स के थ्रू। सो यहाँ पर रिसर्चर के पास मान लो एक डेटा है जो एक्सरसाइज, यहाँ पर एक वन वेरिएबल है जो एक्सरसाइज है एंड द सेकेंड वेरिएबल इज कैलोरीज बर्न। ओके, ये सेकेंड वेरिएबल होगा। सो रिसर्चर के पास ये दो वेरिएबल्स है। सो रिसर्चर ने ये दो वेरिएबल्स और यहाँ पर जो डेटा था दो वेरिएबल्स का, यहाँ पर रिसर्चर ने उस डेटा को ऑब्जर्व किया, एनालाइज किया और रिसर्चर ने ये देखा विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल। रिसर्चर ने ये पाया कि यहाँ पर जो लोग एक्सरसाइज ज्यादा कर रहे थे उनमें और दिस इंडिकेट कैलोरीज बर्न। ओके, सो जो लोग एक्सरसाइज ज्यादा कर रहे थे उनकी कैलोरीज भी ज्यादा बर्न हो रही है। दैट्स व्हाई हियर रिसर्चर ने ये देखा कि एक्सरसाइज और कैलोरीज बर्न ये दोनों वेरिएबल्स के बीच में कुछ रिलेशन है। ओके, दैट्स व्हाई हियर कोरिलेशनल रिसर्च का एम ये होता है कि कोई वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करे। ओके, सो हियर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर टू असेस रिलेशनशिप्स बिटवीन द वेरिएबल। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरिलेशनल रिसर्च इज। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कोरिलेशनल रिसर्च क्या होती है। सो हियर फर्स्ट ऑप्शन नॉन एक्सपेरिमेंटल, यस इट इज करेक्ट, बिकॉज कोरिलेशनल रिसर्च में रिसर्चर ऑलरेडी जो डेटा होता है उसी डेटा को एनालाइज करते हैं और उस वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। सो यहाँ पर रिसर्चर को कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं होता है, एज इट इज जो डेटा है उसी को एनालाइज कर कोई रिलेशनशिप्स फाइंड आउट करना होता है वेरिएबल्स के बीच में। ओके, दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन इज करेक्ट। देन वी हैव ऑप्शन बी, बैकवर्ड लुकिंग। अगेन ऑप्शन बी इज करेक्ट, बिकॉज कोरिलेशनल रिसर्च को हम बैकवर्ड लुकिंग रिसर्च भी कहते हैं। सो हियर बैकवर्ड मीन्स, जैसे आपको बैकवर्ड वर्ड से मीनिंग पता चल रहा होगा, जो पास्ट इवेंट अकर होते हैं और यू कैन से जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो डेटा होता है रिसर्च हो वही कोरिलेशनल रिसर्च में उसी डेटा को यूज करते हैं टू फाइंड दी रिलेशनशिप्स बिटवीन दी वेरिएबल। दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन बी इज अगेन करेक्ट। देन ऑप्शन सी एक्सपेरिमेंटल, नो इट इज इनकरेक्ट, बिकॉज कोरिलेशनल रिसर्च में हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं करते क्योंकि ऑलरेडी जो डेटा होता है उसी का यूज करना होता है, आप यहाँ पर कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। देन हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कोरिलेशनल रिसर्च रिसर्चर, सो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कोरिलेशनल रिसर्च में रिसर्चर वेरिएबल्स को कैसे मैनेज करते हैं। सो हियर ऑप्शन ए इज इन्फ्लुएंस द वेरिएबल, ऑप्शन बी मैनिपुलेट्स द वेरिएबल्स, सी चेंजेस द वेरिएबल्स। सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, हियर इन्फ्लुएंस, मैनिपुलेट्स एंड चेंज मीन्स तीनों वर्ड्स का मीनिंग सेम ही होगा कि कोरिलेशनल रिसर्च में रिसर्चर वेरिएबल्स को क्या मैनिपुलेट करते हैं या फिर चेंज करते हैं। ओके, सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, कोरिलेशनल रिसर्च में रिसर्चर वेरिएबल्स को ना ही मैनिपुलेट करते हैं, ना ही इन्फ्लुएंस करते और ना ही वेरिएबल्स को चेंज करते, बिकॉज इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में रिसर्चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करते और यू कैन से इंडिपेंडेंट वेरिएबल को इन्फ्लुएंस करते और मैनिपुलेट करते, बट कोरिलेशनल रिसर्च में रिसर्च वेरिएबल्स को ना ही चेंज करते ना ही मैनिपुलेट करते। ओके, बिकॉज कोरिलेशनल रिसर्च में रिसर्चर को जो भी एग्जिस्टिंग डेटा होता है वही डेटा का यूज करना होता है। दैट्स व्हाई हियर कोरिलेशनल रिसर्च में रिसर्चर कोई भी वेरिएबल्स को मैनिपुलेट और चेंज नहीं करते। दैट्स व्हाई हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटा फ्रॉम अ कोरिलेशनल स्टडी इज यूजुअली शोन एज अ। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कोरिलेशनल रिसर्च में रिसर्चर अपने डेटा और रिजल्ट को किस ग्राफिक फॉर्म में शो करते हैं। सो हियर वी हैव ऑप्शन ए स्कैटर प्लॉट, देन ऑप्शन बी पाई चार्ट, देन ऑप्शन सी बार ग्राफ। ओके, सो स्टूडेंट्स हियर पाई चार्ट में हम डेटा को सर्कुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज पाई चार्ट। देन वी हैव बार ग्राफ, सो बार ग्राफ में डेटा को कुछ ये बार बार में हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बार ग्राफ। एंड स्कैटर प्लॉट, दिस इज द डायग्राम ऑफ स्कैटर प्लॉट।
ओके सो यस स्टूडेंट्स, कोरिलेशनल रिसर्च में रिसर्चर अपने डेटा और रिजल्ट को स्कैटर प्लॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज स्कैटर प्लॉट के हेल्प से रिसर्चर डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप्स फाइंड आउट करते हैं बिटवीन दी वेरिएबल्स। ओके सो जैसे कि आप देख रहे हो इस ग्राफ में, जैसे ईयर इंक्रीज हो रहा है सो लोकल इंडेक्स भी इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स हियर रिसर्चर ये फाइंड आउट करते हैं कि फर्स्ट वेरिएबल अगर इंक्रीज हो रहा है सो सेकेंड वेरिएबल क्या इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। सो हियर पाई चार्ट और बार चार्ट में आप वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन और डायरेक्शन नहीं फाइंड आउट कर सकते, दैट्स व्हाई हियर पाई एंड बार ग्राफ विल नॉट यूज इन कोरिलेशनल रिसर्च। ओके सो हियर करेक्ट ऑप्शन ए स्कैटर प्लॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कोरिलेशनल रिसर्च व्हेन टू वेरिएबल्स मूव इन द सेम डायरेक्शन देन इट इज। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कोरिलेशनल रिसर्च में जब टू वेरिएबल्स सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे सो उन्हें हम क्या कहते हैं। सो हियर ऑप्शन ए पॉजिटिव कोरिलेशन। सो पॉजिटिव कोरिलेशन कैसा होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्मोकिंग, अगर कोई स्मोकिंग ज्यादा कर रहा है सो एंड लंग कैंसर। ओके सो उनका लंग भी ज्यादा अफेक्ट होगा, मीन्स जो पर्सन ज्यादा स्मोक कर रहा है तो उनमें ज्यादा चांसेस होगा कि उनका उनको लंग कैंसर हो। तो आप देख रहे हो ये दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पॉजिटिव कोरिलेशन। देन वी हैव ऑप्शन बी नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन जैसे फॉर एग्जाम्पल जंक फूड एंड हेल्थ। ओके सो अगर आप जंक फूड ज्यादा आप जंक फूड खाते हो सो आपका आपकी हेल्थ क्या हो जाएगी, आपकी हेल्थ डिक्रीज हो जाएंगे, हेल्थ में कुछ ना कुछ आपके प्रॉब्लम होंगे। सो आप देख रहे हो यहाँ पर आपका फर्स्ट वेरिएबल अपवर्ड डायरेक्शन में है एंड सेकेंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सो यहाँ पर दोनों वेरिएबल अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज नेगेटिव कोरिलेशन। सो हियर ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। देन हियर ऑप्शन सी जीरो कोरिलेशन। जीरो कोरिलेशन मीन्स अगेन विल टेक एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप फेस वॉश कर रहे हो एंड अगर आप फेस वॉश करते हो अपना सो क्या आप आपकी क्लास में फर्स्ट आओगे। सो यहाँ पर फेस वॉश और क्लास में फर्स्ट आने से कुछ रिलेशन होगा क्या, नहीं, बिकॉज यहाँ पर फर्स्ट वेरिएबल का और सेकेंड वेरिएबल के बीच में कुछ रिलेशन ही नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज जीरो कोरिलेशन। यहाँ पर दोनों भी वेरिएबल्स के बीच में कुछ रिलेशन नहीं होगा उसे हम कहते हैं जीरो कोरिलेशन। दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन सी इज अगेन इनकरेक्ट। सो यस, जब भी दो वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं सो उसे हम कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। सो हियर ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, रिसर्च शोज दैट द ओल्डर अ पर्सन इज द लार्जर देयर वोकैबुलरी। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें एक एग्जाम्पल गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है ये एग्जाम्पल किस कोरिलेशन की एग्जाम्पल होंगी। ओके सो व्हाट इज एन एग्जाम्पल, ओल्डर अ पर्सन मीन्स जो पर्सन की एज ज्यादा होगी देन देयर लार्जर देयर वोकैबुलरी मीन्स, वोकैबुलरी मीन्स हियर यू कैन से नॉलेज ऑफ वर्ड्स। ओके तो जिस पर्सन की एज ज्यादा होंगी उनकी वोकैबुलरी भी ज्यादा होगी। ओके सो जैसे आप देख रहे हो दोनों वेरिएबल जो है सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ओके जब भी वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं उन्हें हम कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। सो हियर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, परफेक्ट कोरिलेशन इज व्हेन कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या होगी जब हम उसे परफेक्ट कोरिलेशन कहेंगे। तो यहाँ पर परफेक्ट कोरिलेशन कोएफिशिएंट वर्ड इज न्यू फॉर यू। सो कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऐसा कोएफिशिएंट होता है जो मेजर करता है स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप्स को। ओके स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स मीन्स वेरिएबल्स कितने स्ट्रॉन्गली रिलेट कर रहे हैं। सो इस कोएफिशिएंट की वैल्यू माइनस वन से प्लस वन के बीच में लाई करती है। सो हियर माइनस वन मीन्स
परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन एंड प्लस वन मीन्स परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन वेर जीरो मीन्स देर इज नो रिलेशन बिटवीन दी वेरिएबल्स. सो यस परफेक्ट कोरिलेशन हम कब कहते हैं, जब कोरिलेशन कोएफिशिएंट माइनस वन से प्लस वन के बीच में लाया करो. ओके सो हियर ऑप्शन ए इज प्लस वन मीन्स परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन. सो लेट्स सी एग्जांपल, जैसे कोई पार्टी को वोट ज्यादा मिले हैं तो उस पार्टी को विनर होना ही है और वो पार्टी विनर होगी. मीन्स अगर यहाँ पर एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो सेकेंड वेरिएबल को बढ़ना ही है. दैट इज नोन एज परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन. देन वी हैव ऑप्शन बी माइनस वन. सो माइनस वन मीन्स परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ट्रेन है और उस ट्रेन को ए से बी स्टेशन मूव करना है. सो अगर ट्रेन अपनी स्पीड इंक्रीज करेंगी सो उस ट्रेन को स्टेशन बी पर जाने के लिए टाइम कम लगेगा. सो आप देख रहे हो यहाँ पर कम लगना ही है उस ट्रेन को स्टेशन बी पर मूव करने के लिए. सो यहाँ पर आप देख रहे हो एक वेरिएबल अगर इंक्रीज हो रहा है सो सेकेंड वेरिएबल को डिक्रीज होना ही है. दैट इज नोन एज परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन. सो हियर ऑप्शन बी इज अगेन करेक्ट. देन ऑप्शन सी जीरो. जीरो मीन्स देर इज नो रिलेशन बिटवीन दी वेरिएबल्स. ओके सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट कोरिलेशनल रिसर्च. सो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है अबाउट कोरिलेशनल रिसर्च. ओके सो हियर ऑप्शन ए कैन डेमोन्स्ट्रेट कॉजेशन. सो स्टूडेंट्स हियर कॉजेशन मीन्स कॉज एंड इफेक्ट. ओके सो रिमेम्बर स्टूडेंट्स कोरिलेशनल रिसर्च कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप डिस्क्राइब नहीं करता है बिटवीन द वेरिएबल्स. कोरिलेशनल रिसर्च बस रिलेशन बताता है बिटवीन द वेरिएबल्स. ओके जैसे फॉर एग्जाम्पल रिसर्चर ने कोई सिटी में ये देखा कि समर में आइसक्रीम की सेल्स ज्यादा हो रही थी और उसी मंथ में क्राइम रेट भी ज्यादा हो रहा था. ओके सो यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते हो कि आइसक्रीम के ज्यादा सेल्स होने की वजह से क्राइम रेट इंक्रीज हो रहा है. बट यहाँ पर आप देख सकते हो आइसक्रीम एंड क्राइम रेट, यहाँ पर आइसक्रीम और क्राइम रेट के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है. मींस एक वेरिएबल बढ़ रहा है सो सेकेंड भी इंक्रीज हो रहा है. सो यहाँ पर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं हो रहा है. क्या आइसक्रीम की वजह से क्राइम रेट इंक्रीज हो रहा है? नहीं, हम यहाँ पर कोरिलेशनल रिसर्च में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड आउट नहीं करते. सो दैट इज व्हाई कोरिलेशन डज नॉट इम्प्लाय कॉजलिटी और कॉजेशन. ओके कोरिलेशनल रिसर्च जरूरी नहीं है कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप शो करे. दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन इज इनकरेक्ट. देन वी हैव ऑप्शन बी इज यूज्ड टू डिफाइन द प्रॉब्लम. सो अगेन ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट बिकॉज हम किसी भी प्रॉब्लम को डिफाइन करते अंडरस्टैंड करते इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च नॉट इन कोरिलेशनल रिसर्च. दैट्स व्हाई हियर अगेन ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट. Then we have option C, the researcher does not manipulate the variables. Yes, it is correct about correlational research because correlational research में researcher past events, जो past data होता है और जो already existing data होता है और जो already data होता है उसी data को use करते हैं to show or to find the relationships between the variables. Okay, that's why here option C is the right answer. Next question. In an experiment, the researcher manipulates the dash variable and measure the dash variable. So students, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि एक्सपेरिमेंट और यू कैन से इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हम कौन से वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं और कौन से वेरिएबल को मेजर करते हैं. सो हियर इन एक्सपेरिमेंट और इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च रिसर्चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल को मेजर करते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या इफेक्ट हो रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल पर ये फाइंड आउट करते हैं. सो रिमेम्बर स्टूडेंट्स इन एक्सपेरिमेंट और इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च रिसर्चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं और यू कैन से चेंज करते हैं. वेयर एज इन कोरिलेशनल रिसर्च
कोरिलेशनल रिसर्च में रिसर्चर किसी भी वेरिएबल को मैनिपुलेट और यू कैन से चेंज नहीं करते. दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और कोरिलेशनल रिसर्च. सो यस, इन एक्सपेरिमेंट और इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च रिसर्चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल को मेजर करते हैं. That's why here option A is the right answer. Moving on to the next question. In correlational problem, both variables are. So students, इस question में हमें find out करना है correlation research में जो दोनों भी variables होते हैं वो कैसे होते हैं. So let's see option A equal. No, it is incorrect. Because correlational research में variables equal हो ये जरूरी नहीं है. It is not necessary. That's why here option A is incorrect. Then option B unknown. अगेन हियर ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट बिकॉज कोरिलेशनल रिसर्च में ऑलरेडी हमारे पास डेटा प्रेजेंट होता है. दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट. देन हियर ऑप्शन सी फिक्स्ड. अगेन ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट बिकॉज आप कोरिलेशनल रिसर्च में आप वेरिएबल को फिक्स नहीं कर सकते हो. अगर आप फिक्स करोगे सो वो कॉन्स्टेंट हो जाएगा. दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट. देन वी हैव ऑप्शन डी रैंडम. यस, इट इज करेक्ट. कोरिलेशनल रिसर्च में वेरिएबल्स रैंडम होते हैं. और स्टूडेंट्स रिमेंबर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कोरिलेशनल रिसर्च जहां पर वेरिएबल्स रैंडम होते हैं. दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. सो स्टूडेंट्स, आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ कोरिलेशनल रिसर्च इज क्लियर टू एवरीवन. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सी यू टुमारो विद अनदर वीडियो.